अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। कौन सा मच्छर काट के गया है आपको, ये बताओ। मैंने कहा कौओं को हिला रहा था यार। हाँ, देखा सब से कौए दिख रहे हैं आपको? क्यों बंदी हूँ क्या, दिख रहे हैं यार, दिख रहे हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। आराम से बोला करें, मैं यही होती बराबर, कान पर पड़ता फट जाएगा मेरा। तो लेट्स गो जाओ। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पुर्खियों का नया अबू ट्रंप, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन डोनाल्ड ट्रंप रोस्ट, पाकिस्तानी फनी रोस्ट। तो लेट्स प्ले। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। जैसे ही ये खबर पॉलिटिको को पता चली, पाकिस्तान की एक लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होने का दावा कर दिया है। पर भाई, ये लोग यहीं तक नहीं रुके, बल्कि बंदों ने तो यहाँ तक कह दिया, भारतीय उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी निकले। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में पैदा हुए। ट्रंप का असल नाम दाऊद इब्राहिम खान है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। अच्छा रहा डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी नहीं है, अगर पाकिस्तानी होता तो पाकिस्तान की सड़कों पर कुल्फियां बेचता नजर आता। खोए आली, खोए पाक मक्खन पाक। भाई, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या बना, और ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है मानो अमेरिकी पाकिस्तानियों की वजह से ही वो चुनाव जीता हो। बंदों को यूएस इलेक्शन में पाकिस्तानी वोटर्स के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था, खासतौर पे मुस्लिम वोटर्स या पाकिस्तानी वोटर्स थे। मुसलमानों का जो रुझान है, खासतौर पे जो मुसलमान है, मुसलमान वोटर्स बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं। मुस्लिम अकलियत जिसे भी वोट डालेंगे वो जीत सकता है। हाँ, मुस्लिम वोटर्स ही तो अमेरिका का प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, बाकी अमेरिकन वोटर्स का तेल लेने। अबे साले, मतलब ज्यादातर पोर्की अमेरिका में अवैध रूप से घुसकर भीख मांगते फिरते हैं, तब ये अमेरिका का प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, जबकि अमेरिका में इनकी कुल आबादी कितनी है, 1.3%। भाई, ये तो अमेरिका में कुल मुस्लिम आबादी है, जबकि वोटर्स तो इसके 1% भी नहीं, फिर भी पोर्कियों की बकचोदी। नाज़रीन, इस बार अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुसलमानों का वोट अहमियत इख्तियार कर गया। अब तो सच बोल दे, मुसलमान वोटर्स की इतनी हैसियत नहीं, न इतना पैसा है, न इतनी तादाद है। अब आए ना लाइन पे। मतलब पोर्कियों की अमेरिका के अंदर एक कौड़ी की औकात नहीं, लेकिन पाकिस्तान का जज्बा लिए बंदे इसके अंदर डींगे हाकेंगे, जैसे इनके बिना अमेरिका में चुनाव ही संभव नहीं। जिस भी पोर्की को देखो, इलेक्शन की गहमा गहमी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी किसको सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तानी वोटर्स का झुकाव किस तरफ है। ऐसा पाकिस्तानी अमेरिकन हम चाहते हैं कि ऐसा प्रेसिडेंट आए जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। हाँ, अमेरिका के लिए अच्छा होना हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए। और पोलियो के हिसाब से पाकिस्तान के लिए अच्छा कौन है? इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको करना है? मेरा ख्याल है ट्रंप को ही करेंगे। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? मैं ट्रंप को दूंगा। वोट किसको देंगे? ट्रंप को देंगे। हम लोग वोट देंगे इंशाल्लाह ट्रंप को। और ये पोलियो ट्रंप को वोट देंगे क्यों? वो देंगे ट्रंप को वोट। और उसने ये भी बोला इमरान खान भी आएगा, उसको लेके आऊंगा। क्या क्या बात कर, मतलब उधर ट्रंप की ओर से इमरान खान की रिहाई को लेकर एक शब्द नहीं कहा गया, लेकिन पोलियो ने कटोरा खान की रिहाई को लेकर ऐसे सपने देखने शुरू कर दिए मानो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही उसका सबसे पहला काम कटोरा खान को जेल से बाहर लाना होगा। जिस भी पोलियो को देखो, डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में आए तो बानी पीटीआई को जेल से रिहाई दिलवा देंगे। ट्रंप साहब आएंगे और बस फिर इमरान खान साहब अडयाला से बाहर होंगे। खान की रिहाई का इंतजार जो हो रहा है वो ट्रंप के आने से होगा। अब भाई, ट्रंप तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी कटोरा खान, निकालो मुझे। मतलब कटोरा खान सत्ता में रहते हुए एक बार अमेरिका के विजिट पर क्या गया, बंदे के समर्थकों ने उसको डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त ही घोषित कर दिया, बंदों ने डींगे हाँकते हुए यहाँ तक कह दिया, हमारी पहुँच डोनाल्ड ट्रंप तक है। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताया गया है कि आपके दोस्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टिल जेल में। और उधर डोनाल्ड ट्रंप, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब कटोरा खान समर्थकों को ट्रंप अमेरिका याद आ रहा है, और कल तक इनका यही मसीहा अमेरिका के लिए कहता फिरता था, क्या हम अमरीकियों के गुलाम हैं, हम इनके नौकर हैं। तो नहीं है क्या? हम तो बेकारी है, इसलिए हम गुलाम हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? भाई, इस कटोरा खान के बारे में मैं क्या ही बोलूं? बंदे कल तक अमेरिका के खिलाफ भौंकता फिरता था, आज उसी अमेरिका से अपनी रिहाई कराने की भीख मांग रहा है, और अब तो पाक मीडिया तक कहने लगी है अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमेरिका के पैर पकड़ रहा है। गजब बेइज्जती है। लेकिन इस सब के बाद भी कटोरा खान समर्थकों को शर्म थोड़ी आने वाली है, वो तो ट्रंप की जीत का इस कदर जश्न मना रहे हैं मानो अमेरिकन चुनाव में ट्रंप नहीं इमरान खान
खान ही जीता हो। ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया। इस सर फिर पागल हो गया। मतलब इतनी खुशी तो अमेरिकन ट्रंप सपोर्टर्स को नहीं होगी जितनी खुशी इन पोलियो को हो रही है। बंदे फूले नहीं समा रहे और हर बंदे की जुबान पर क्या है। क्या इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बाहर आने वाले हैं? नहीं। मतलब ट्रंप को कटोरा खाने के जेल में होने ना होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी पोलियो जबरदस्ती ट्रंप को लेकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे वो चुनाव में इन पोलियो के लिए ही खड़ा हुआ हो और इन पोलियो की ट्रंप से उम्मीद है। इसको सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन में? ट्रंप के लिए जा रहे हैं। क्यों ट्रंप की? इसकी वजह से कि अभी जो बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं स्पेशली गजा के बारे में, जो हांस है मुस्लिम जिनोसाइड जो हो रहा है इसराइल को कर रहे हैं, तो आई थिंक ट्रंप को सपोर्ट करना बेहतर है। किस जगह से है? पाकिस्तान से। मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से है। इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में, वोट किसको करेंगे? आई एम गोइंग फॉर द ट्रंप बिकॉज द पॉलिसी जो उनके पास है वो मुसलमान और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अब भाई एक तरफ पाकिस्तानी अमेरिकन का सारा फोकस फिलिस्तीन और इनकी बिरादरी के लोगों पर ही था, वहीं इंडियन अमेरिकन का फोकस किस बात पर था? कहाँ से है? इंडिया से। इंडिया से, हैदराबाद से। अच्छा, चले वोट पोल कर लिया? हाँ, अभी अभी कर चुके हैं। ठीक है, किसको दिया वोट आपने? ट्रंप को। ट्रंप को दिया? क्यों दिया ट्रंप को वोट? थोड़ा चेंज होना इकोनॉमी में, तो ट्रम्प को इलेक्ट करके कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे आपके मुताबिक? आ जाएंगे। हाँ। क्या आप बताइए आपने किसको वोट किया है? सेम ट्रम्प। क्यों दिया ट्रम्प को वोट? मतलब अभी इकोनॉमी थोड़ा धीमी चल रही है, मुझे लगता है कि ट्रम्प थोड़ा बहुत लाइक यू नो इम्प्रूव कर सकेंगे इस मामले में। भाई यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में, और ये अमेरिका में रहकर सिर्फ अपने मजहब और बिरादरी के लोगों की सोच रहे हैं, जबकि इंडियन अमेरिकन का पूरा फोकस अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। और यही कारण है कि ज्यादातर हिंदुस्तानी अमेरिका में ऊंची पोस्ट पर मिलेंगे, जबकि पॉल के हाथों में कटोरा लिए भीख मांगते। और ये बात ट्रंप को भी अच्छे से पता है कि ये मजहबी लोग दुनिया में शांति रहने ही नहीं दे सकते, तभी तो उसने कई सालों पहले कह दिया था। There is a Muslim problem in the world. I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. Did you mean all 1.6 billion Muslims? I mean a lot of them. You look at what's happening with the Quran, it's a pretty scary thing. और जबकि यही बंदा भारतीयों को लेकर I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जी जनाब, ये तो पूरे पाकिस्तान में फेमस हो गया था मामला कि ट्रम्प आया है, अब पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, इमरान खान बाहर आएगा क्योंकि इमरान खान की इससे मुलाकात हुई है। एक मुलाकात के बाद वो फैन हो गया इमरान खान का, इमरान खान का दोस्त हो गया है, और एक लड़की जो है वो पाकिस्तान में कह रही है कि मैं इमरान खान की बेटी हूँ। इमरान खान की नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी हूँ। ये कहाँ से कैसे पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी बैठी हुई है यार, तो वो पाकिस्तान को पूछ तक नहीं रहा, क्या है ये? बहुत अजीब बात है, हम कैसे पागल क्या है हम लोग यार, बोलिए क्या था ये पूरा डिटेल तो बता देता हूँ क्या है। नहीं नहीं, नहीं। तो खैर बहरहाल ये है कि हम पता नहीं क्या है, वाकई अजीबो गरीब से लोग हैं और हम नहीं है। अच्छा एक चीज है कि ये मुझे हटा के बाकी सारे अजीब, इनको मिला के सारे अजीब गरीब से लोग हैं, मैं नहीं हूँ। मैं पाकिस्तानी समझती नहीं अपने आप को, मैं बोलती मैं इंडिया की हूँ, मैं नानो इंडिया से आई थी, मैं इंडिया की हूँ। तो अब मैं आज के बाद ये मैं भी इंडिया का हूँ ना भाई। नहीं कहा कि आप पूछा था मेरे बैक कैमरा, आपने कहा था नहीं मैं यही का हूँ। सुनो मैं यही का हूँ तो ये भी इंडिया था ना? नहीं नहीं, इंडिया कहाँ था, ये पाकिस्तान था, मैं नानो इंडिया से आई थी। नहीं तो मैं जब ये बना ही नहीं था तो सब इंडिया ही था ना एक। लेकिन आप तो नहीं ना, नहीं आप पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हूँ तो आप भी मैं यहाँ पैदा नानो वहाँ पैदा हुई है ना, तो भले है तो क्या हुआ, नस्ल चलती है। तो हम तो यही के हैं ना, यही हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था ना। लेकिन मैं इस दलदल की नहीं हूँ, आप हूँ। ये तो अब दलदल हुआ है ना, पहले तो अच्छा था ना। खैर बहरहाल के ये हालात हैं कि ट्रम्प आया है तो हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद है, उम्मीद की जा सकती है हर वीडियो में, लेकिन यही बोलते हैं लेकिन लेकिन ट्रम्प जो है टोटली अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए सोचेगा, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है, वो टैक्स दुनिया पे बढ़ा रहा है, वो अपने मफादात देखेगा, अपने कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा, बिजनेस माइंड का बंदा है, उसकी जो एक दफ़ा इकतदार से उतर चुका है, एक दफ़ा इकतदार में आ चुका है, फिर उसके बाद इसको गैप मिला है, तो मैं समझता हूँ कि ये और ज़्यादा प्रिपेयर हो गया होगा। एक मरतबा इसको 5 साल मिले भी थे, 4 साल उसमें इसने अपनी गलतियों को देखा होगा, अच्छे और बुरों को पहचान लिया होगा, कैबिनेट को चेंज कर दिया होगा, जो सही लोग हैं उनको साथ रख के बहुत बेहतर तरीके से अब गवर्नमेंट को, और ये पहला वो सदर है अपने आप को प्रेजेंट कर जो दो मरतबा हुआ है, लेकिन बीच में एक दफ़ा का गैप है,
तो उस गैप में मैं समझता हूँ कि ये बात देखो, इसने किरदार भी संभाला, गैप भी देखा, फिर दोबारा आया, तो बहुत बेहतर तरीके से अपने कंट्री को लेके चलेगा। जो बेनिफिशियर होंगे, जो इसके कंट्री के साथ तुम अच्छे तरीके से होंगे, चलेंगे इनके साथ, तो उनके साथ ये सही होगा। जो गलत होंगे, जो मांगते रहते हैं पैसा बहाने बहाने से, कभी इन्वायरमेंट के हवाले से, कभी सैलाब की मद में, तो कभी पोलियो की मद में, तो कभी परेशानी की मद में, तो कभी टेंशनों की मद में, तो हालात ख़राब है, तो हमने इलेक्शन करवाने, तो हमें पैसे चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के खर्च के लिए भी मांग सकते हैं कि हम इमरान खान को खर्च हो रहा है, उसके ऊपर खर्चा आ रहा है, उसको जेल में रखा है, उसके लिए तो किसी भी चीज़ के लिए मांग सकते हैं। और जबकि इंडिया से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों वोट दिया गया, तो उसने कहा इकॉनमी बेहतर होगी, वो अपने मुल्क की इकॉनमी बेहतर करेगा। पाकिस्तान वहाँ पर उनसे पूछा गया, वो कह रहे हैं इमरान खान वहाँ रहेगा। कैसे लोग हैं ये लोग, पाकिस्तानी हैं, कैसे लोग हैं ये लोग। आज से आप पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।